गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम. एज यू नो योर क्लासेस आर नॉट गेटिंग स्टार्टेड सो वी विल स्टार्ट अवर स्टडी थ्रू इंटरनेट और जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है उसको आप नोट करते चलिए और उसमें से जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप मुझसे ग्रुप्स में डिस्कस करें. तो बेटा सबसे पहले हम आपको बता दें कि साइंस पढ़ाएंगे हम आपको. तो साइंस को आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस होता क्या है, है ना. साइंस क्या होता है तो सबसे पहले हम आपको साइंस डिफाइन करेंगे. साइंस बेटा व्हाट इज साइंस, साइंस किसको कहते हैं. अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको बहुत बड़े स्तर पर डिफाइन कर सकते हैं, बट अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में इसको कहेंगे तो हम कहेंगे कि साइंस इज अ स्पेशल नॉलेज अबाउट एनी फील्ड. मतलब क्या हुआ इसका, स्पेशल नॉलेज विशेष ज्ञान अबाउट एनी फील्ड, किसी भी क्षेत्र के बारे में जब हम कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसको हम साइंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल When we study about society, अगर हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम सोशल साइंस कहते हैं, है ना. और अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको पॉलिटिकल साइंस. ठीक है जी, तो साइंस को हमने डिफाइन किया क्या क्या, साइंस इज अ स्पेशल नॉलेज अबाउट एनी फील्ड. अब बेटा साइंस अभी तक आपने क्लास 8th में पढ़ रखी थी तो अभी तक साइंस जो थी सबमिटेड थी. क्लास 9th से थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, चीज़ें थोड़ी सी लेंदी हो जाती है ना. तो साइंस को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. अब हम पहले तो इन तीनों ब्रांचेस को डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले आप आ रही है बायोलॉजी से देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है. आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है, बायोलॉजी में किन किन बारे में, किसके बारे में पढ़ा, किन किन टॉपिक्स पे आपने स्टडी किया बायोलॉजी में. देखिए बायोलॉजी के बारे में बताएं आपको, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें इन विच हम क्या करते हैं, वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिक. डेफिनेशन तो कई बन सकते हैं, मोस्टली अगर हम करें कि बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में हम मनुष्य के जीवन के बारे में और सजीव वस्तुओं के जीवन के बारे में इसी तरीके से यही तो अध्ययन करते हैं बायोलॉजी में. ओके, नेक्स्ट आता है आपका केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, वी स्टडी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस और कह सकते हैं एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी. केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं अबाउट केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रियाओं का और स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, पदार्थ की संरचना का और इसकी विशेषताओं. रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को हिंदी में रसायन विज्ञान बोलते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में. ओके, और नाउ फिजिक्स, जस्ट लिसन कैरफुली. फिजिक्स इट इज अ ब्रांच of science in which
We study about basic laws of nature. आया समझ में? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में, अबाउट बेसिक लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के बेसिक नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं किसमें, फिजिक्स में. ओके, इतना कंप्लीट हुआ आपका. नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम आपका क्लास 9th की जो साइंस है उसका सबसे पहले हम आपका चैप्टर फर्स्ट उठाएंगे फिजिक्स से. इससे फिजिक्स से, फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा. लेटर सिस्टर फिजिक्स साइंस का आपका पहला है फिजिक्स का, आपको हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका मोशन. क्या है मोशन? फिजिक्स में हम लॉज ऑफ नेचर पढ़ते, बताया आपको. तो फिजिक्स भी जो है इट इज अ वेरी वास्ट स्टडी, तो हमने फिर इसको भी डिवाइड किया. जैसे व्हेन वी सी लाइट तो उसके लिए एक अलग अध्ययन. ठीक है, व्हेन वी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर इज अ स्टडी फॉर दैट. उस ठीक उसी प्रकार इसकी फिजिक्स सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच कह सकते हैं जिसको मैकेनिक्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फिजिक्स की इट इज अ ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मैकेनिक्स जिसमें हम मोशन पढ़ते. तो हम क्या मैकेनिक्स को क्या बोलते हैं? सबसे पहले आ गई हमारी फिजिक्स की ओल्डेस्ट ब्रांच आ गई, इसके बारे में हम आपको बताएं. वैसे क्या कहते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको डिफाइन करेंगे तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मोशन. क्लियर हुआ? मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी अबाउट मोशन. ठीक है, पहला चैप्टर. अब सबसे पहले बात ये आती है चैप्टर की स्टार्टिंग में कि मोशन और रेस्ट. मोशन का मतलब क्या हुआ? किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी जगह से मूव कर जाना. ऐसा मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी जगह से मूव कर जाना, उसको मोशन बोलेंगे. तो कंसेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन, ये आपका पहला कंसेप्ट है आज के लिए. यही टॉपिक है, हम किन चीजों को रेस्ट में कहेंगे, किन चीजों को मोशन में कहेंगे, ये इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे. सबसे पहले अगर हम कहें कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स आर इन मोशन, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, अगर हम कहें कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सभी मोशन में, तो आप सॉल्व हुए. क्यों सर? हम तो बैठे हैं अभी, हम क्यों मोशन में? ऐसे आपको पता है कि अर्थ हमेशा मूव करती रहती है, रोटेट्स होती है. अर्थ हमेशा मूव करती रहती है, अगर हम अर्थ पर हैं तो हम भी क्या हो रहे हैं, हम किस में हुए, मोशन में हुए. अर्थ हमेशा अपनी जगह पे रोटेट करती रहती है, अगर हम अर्थ पे हैं तो हम भी कैसे हो रहे हैं, मोशन में. बट कब? जब हम अर्थ को किसी अदर प्लैनेट से या मून से वहां से देखेंगे तो हमें अर्थ कैसे दिखाई देगी, मोशन में दिखाई देगी. ओके, कोई भी चीज, ये बुक है इस पर ये चीज रखी है, अब हम आपसे कहेंगे मार्कर रखा है इस पर, अब ये बुक मूव कर रही है, ये बुक मूव कर रही है, कर रही है. अब क्या इस पर जो मार्कर रखा है वो रेस्ट में है या मोशन में? टेल मी, इस पर जो मार्कर रखा है वो मोशन में है और रेस्ट में? मार्कर जो है वो रेस्ट में कैसे है आपको मतलब? सबसे पहले हम मोशन और रेस्ट को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसको समझाते हैं. तो मोशन हम किसको कहते हैं?
किन वस्तुओं को हम मोशन में कहेंगे? सबसे पहले मोशन को देख लो, अ बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट इट्स सराउंड। ओके, रेस्ट, रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? A body is at rest when it does not change its position with respect to its surroundings. Understand? Means क्या होगा? ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, कोई भी वस्तु को हम मोशन में तब कह सकते हैं व्हेन, जब यह है चेंजिंग इस पोजीशन, जब यह है अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब अपने सराउंडिंग का मीन्स क्या होता है? अपने आसपास की चीजें, उसके सराउंडिंग के अगर रिस्पेक्ट में ये मूव अपनी स्थिति को चेंज कर रही है तो हम मोशन में कहेंगे। अब अ बॉडी इज सेट टू बी At rest when it does not change its position with respect to its surrounding. अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है तो हम उसको रेस्ट में कहेंगे। एक एग्जाम्पल देते हैं इसको समझने के लिए, किन वस्तुओं को हम कहेंगे रेस्ट में और किन को कहेंगे मोशन। सपोज दैट यू आर सिटिंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ रेलवे, आप रेलगाड़ी के किसी डिब्बे में बैठे हुए हैं, आपके सामने कोई पर्सन बैठा है, रेलगाड़ी चल रही है, तो आपके जो सामने पर्सन बैठा है उसके सराउंडिंग की चीजें बताओ क्या है। उसके सराउंडिंग क्या है? विंडो है, फ्लोर है, ऊपर छत है, और वॉल है कंपार्टमेंट की, यही तो है उसके सराउंडिंग। अब रेलगाड़ी जब मूव कर रही है, बराबर मूव कर रही है कंटिन्यूसली, तो क्या आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो आपसे थोड़ी दूर, जैसे रेलगाड़ी चलती है क्या उसकी डिस्टेंस, वो जितनी दूरी पर बैठा है वो आपसे दूर जा रहा है, कुछ समय बाद वो दूर जा रहा है, क्या वो विंडो से उसकी डिस्टेंस में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है, वो बराबर वहीं बैठा रहता है, जितनी दूरी पर पहले बैठा था उतनी दूरी पर वो अभी भी बैठा है। प्लेटफॉर्म नंबर ए पर गाड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर बी पर पहुंच जाती है, तो जितनी दूरी पर वो आपके पास में जितनी डिस्टेंस पर पहले बैठा था उतनी डिस्टेंस पर वो प्लेटफॉर्म बी पर भी बैठा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे उस व्यक्ति को तो वो आपको किस में दिखाई देगा? रेस्ट में दिखाई देगा। क्लियर हुआ? अगर कोई व्यक्ति बाहर से आउटसाइड द कंपार्टमेंट, कोई व्यक्ति कंपार्टमेंट के आउटसाइड से देखेगा तो आप दोनों लोग उसको किस में दिखाई देंगे? मोशन में। कोई व्यक्ति अगर कंपार्टमेंट से बाहर से देखेगा, कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो रेलगाड़ी को देखेगा तो आप रेलगाड़ी के अंदर बैठे, आप दोनों लोग मूव कर रहे हैं तो आप दोनों को वो किस में दिखाई देगा? वो किस में देखेगा? मोशन। ओके, लेकिन जो व्यक्ति आपके अंदर बैठा है रेलवे कंपार्टमेंट मोशन में तो है, रेलगाड़ी मोशन में है, लेकिन वो व्यक्ति मोशन में है क्या? वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सराउंडिंग से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। तो मोशन और रेस्ट को हम कह सकते हैं, इसमें ऐसा कह सकते हैं कि अ बॉडी मे बी एट रेस्ट फॉर वन पर्सन, एक कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु एक व्यक्ति के लिए रेस्ट में हो सकती है, और सेम ऑब्जेक्ट सेम बॉडी मे बी इन मोशन फॉर अनदर पर्सन। समझ में आया? अगर कोई व्यक्ति जैसे बाहर से देख रहा है, कंपार्टमेंट के बाहर से देख रहा है, तो वही व्यक्ति मोशन में दिखाई दे रहा है, जबकि आप कंपार्टमेंट के अंदर से उसको देख रहे हैं तो आपको वो रेस्ट में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तो क्या हुआ कि एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिए मोशन में भी हो सकती है और वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए रेस्ट में भी हो सकती है। कंसेप्ट समझ में आया? तो जब हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं तो ना कि हम यूनिवर्स से देखेंगे
पृथ्वी के आउटसाइड से नहीं देखेंगे, रूम के आउटसाइड से नहीं देखेंगे, कहीं किसी की चीज़ों के बाहर से नहीं देखेंगे। हम क्या करते हैं, अपने आसपास के सराउंडिंग को देखते हैं। सराउंडिंग का मीन्स जहाँ बैठे हैं, आपके बगल में कमरे की दीवारें हैं, चेयर हैं, बेंच है, वो आपकी सराउंडिंग। अगर थोड़ी देर बाद आप उठ के चलने लगते तो आपकी और जो चेयर थी उसमें डिस्टेंस में चेंज आया, पोजीशन में चेंज आया, तो आप मुश्किल में हुए। आप अगर वहीं बैठे रहते हो तो आपके आसपास की जो चीज़ें हैं उनसे आपकी डिस्टेंस में चेंज नहीं आ रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो आप इसमें हैं रेस्ट में। आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट ऑफ रेस्ट, कंसेप्ट ऑफ मोशन अच्छे से समझ में आया है। करना क्या है, सिर्फ इतना समझना है, मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए एक हम रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं, फिक्स्ड पॉइंट कह सकते हैं, उसको लेते हैं जो अपनी सराउंडिंग में रखता है। मेरे सराउंडिंग में सपोज दिया कि कैमरा है, कैमरे से हम पास में आ रहे हैं, दूर जा रहा है, तो हम मोशन में, हम यहाँ खड़े हैं, कैमरा और मेरे, अगर इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, हम यहाँ खड़े हैं, इससे मेरी डिस्टेंस में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो मैं किस में हूँ, रेस्ट में हूँ। इसके आगे अगर हम आगे पीछे जा रहे हैं, आप इसकी डिस्टेंस में या इस मेरी पोजीशन में, इसके रिस्पेक्ट में कुछ अगर चेंज आ रहा है तो मैं किस में हुआ, मोशन में। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो आपको, वो आप ग्रुप में डिस्कस कर लें और आप घर पे अच्छे से स्टडी करिए। जो भी समस्या हो आप मुझे नोट करके भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू सो मच।